बार जिन्होंने दिया था, अब इस बार भी देंगे, उनका नहीं हुआ था, किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको? एक तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पीटी नहीं निकलता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि बच्चे डर जाते हैं प्रीलिम्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फोबिया दिमाग में बैठा हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिन का आधा घंटा आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए निकालिए रेगुलरली, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से लाखों की संख्या में प्यार दिया। आज की वीडियो में हमारी खास मेहमान है आयुषी सिंह मैम, और आप इस वीडियो से पहले भी मैम को कई वीडियोस में देख चुके हैं, क्योंकि UPPCS का रिजल्ट आया था, उसके बाद में बहुत सारे मैम के इंटरव्यू कई चैनल्स पे वायरल हुए और एक अलग ही कहानी है आयुषी सिंह मैम की। मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इनका 62 रैंक है, किस तरीके से इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी और कहाँ से तैयारी की थी। नए छात्रों का ये बड़ा सवाल रहता है कि जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट का एक यही सवाल रहता है कि जो छात्र व छात्राएँ चयनित हुए हैं वो किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर हम 24 घंटे पढ़ेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन पक्का है। जो सिलेक्शन के लिए मेन रीज़न रहता है वो डेडिकेशन रहता है। एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में रेगुलरली पढ़ाई रहती है कि रोज़ पढ़िए 10-12 घंटे, तो एक मिथ है मुझे लगता है। अगर आप 7 से 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ेंगे डेली बेसिस पे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और 10 से 12 घंटे की पढ़ाई अगर खींचती है तो वो एग्ज़ाम आने से 10 से 15 दिन पहले ही होता है कि हाँ हम 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, पर यूजुअल बेसिस पे 6 to 7-8 आवर्स इतना ही एवरेज रहता है पढ़ाई का। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अभी तैयारी करना चाहते हैं और UPPCS का भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी आ रहा है 14 मई को, उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जो अब कहीं ना कहीं देंगे या पिछली बार जिन्होंने दिया था अब इस बार भी देंगे, उनका नहीं हुआ था, किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको? एक तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पीटी नहीं निकलता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि बच्चे डर जाते हैं प्रीलिम्स से। मेंस में फिर भी लोग कॉन्फिडेंस रहेंगे, लेकिन पीटी में क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो डर जाते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए। मैंने टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से UPPCS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो अगर आप चाहें वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर अगर आपको कोई और अच्छा लग रहा है आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन PCS पूछ रहा है या UPSC पूछ रहा है वो आपको प्रीवियस ईयर को देख करके ही पता चलेगा। तो पहले तो आप वही देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, अपनी बेसिक बुक्स को ख़त्म कीजिए और अच्छे से रिवाइज करके इस पेपर को दीजिए। मैम तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो कि मुझे शुरू में ही पूछना चाहिए था लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपसे वो शुरू में ही पूछा है, इसलिए मैं बाद में पूछ रहा हूँ, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और आप मुरादाबाद में कौन से गाँव से हैं? क्योंकि आपकी कहानी एक अलग ही है, पिताजी का साया आपके ऊपर से उठ चुका था, उसके बावजूद भी आप टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि निखर के ऊपर आई हैं, DSP बनी। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो हिमायूपुर गांव है मेरा मुरादाबाद में, और मेरी स्कूलिंग जो है KCM स्कूल मुरादाबाद से पूरी हुई है। बहुत सारे चैलेंजेस पापा के जाने के बाद फेस किए हैं, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से मेंटली भी। बहुत ट्रोमेटिक सिचुएशन थी वो घर में, सिक्योरिटी इशूज़ भी थे, तो जितने चैलेंजेस हो सकते हैं शायद कहीं ना कहीं हर स्टेज पर वो सब देखने को मिले हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेरी मम्मी की हिम्मत थी कि उन्होंने यहाँ तक हमें इतना हेल्प किया, सपोर्ट किया कि तुम जाओ पढ़ो और कभी हमारे सामने वीक नहीं पड़ेंगे, हमेशा मजबूती से खड़ी रहीं। तो उनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमें इस लायक बनाया कि हम यहाँ तक पढ़ें। तो क्लास 12 तक मेरी एजुकेशन KCM स्कूल से हुई है, उसके बाद मैंने DU से अपना ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में 2019 में, और मास्टर्स भी DU से ही किया है 2021 में, और UGC NET मैंने क्वालिफाई किया है इन बिटवीन माई मास्टर्स। मैम आपका वैकल्पिक विषय क्या था, क्योंकि अगर हम UPPCS या फिर UPSC की तैयारी करते हैं तो लेना बहुत ज़रूरी है, अभी तो शायद हट गया है UPPCS में से, लेकिन आपका उस समय क्या था? मेरा ऑप्शनल PSIR था। मैम जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आज आपको देख रहे होंगे देश के कोने कोने के, उनका कहना ये रहता है जैसे मुखर्जी नगर जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, प्रयागराज या मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, पटना, तो बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो क्या भीड़ भाड़ वाले कोचिंग से जो सिलेक्शन होता है सफलता आसानी से मिल जाती है या नहीं? जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लाइन के पीछे भागते रहते हैं और उनको लगता है कि यहाँ से मुझे सफलता मिल जाएगी। आप एक सफल हैं, आपको सफलता मिली है, तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हर किसी के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मुझे लगता है इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा रोल खुद का होता है, आप खुद पर भरोसा रखिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद सिलेक्शन कीजिए कि क्या चीज़ पढ़ने के लिए है क्या चीज़ नहीं है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर चूज़ कीजिए कि आपको क्या चीज़ को पिक करना है, किस चीज़ को एलिमिनेट करना है। तो कोचिंग का मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि हाँ बिना उसके आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते, या फिर दिल्ली में मुखर्जी नगर आकर के रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर से रहकर के प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, अगर आप डेडिकेशन आपके अंदर है और अगर आप कंटिन्यूअस इरेस्पेक्टिव आप कहीं भी रह रहे हैं वहाँ पे अगर 6 से 7 घंटा आप निकाल पा रहे हैं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में क्लियर करेंगे। मैम आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको, लिखना, गाना, या फिर दौड़ लगाना, या फिर मूवी देखना? खाली टाइम में मुझे थोड़ा मूवीज़ वगैरह देखने का शौक था तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे कभी देख लिया इस तरीके से। बाकी तो ड्राइंग वगैरह मुझे काफ़ी पसंद था तो अपने खाली टाइम में जब स्टडीज़ से बोर हो गए तो वो चीज़ कर लिया। जब आपका रिजल्ट आया था सबसे पहले किसने देखा था, आपने या फिर आपके दोस्तों ने या फिर आपके सर ने? क्योंकि सर की बड़ा पैनी नज़र रहती है अपने छात्रों के ऊपर, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग इसलिए। उस दिन डिस्कशन ही चल रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, बट शाम हो गई थी, रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं रोहित सर के पास ही आई थी टेस्ट वर्ल्ड में, बैठी थी कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर अचानक ही रिजल्ट आया था। तो मैंने सर ने दोनों ने साथ ही रिजल्ट देखा था और बहुत खुशी हुई थी कि हाँ एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और फिर मैंने घर पर मम्मी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो सब लोग बहुत खुश थे। स्पेशली आप गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगी, क्यों ना कहीं जो पिछली बार UPSC का रिजल्ट आया था उसमें भी और UPPCS का आया उसमें भी कहीं ना कहीं लड़कियां बाजी मार रही हैं, आप स्पेशली लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारी हमारे देश में ऐसी लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने के लिए आना चाहती हैं या पढ़ना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लोग कहते हैं नहीं बेटा आप छोड़ो मत करो, तो क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे लोगों को, उन लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा यकीन जगाएं अपने बच्चों पे और उनको चांस दें कि वो मेहनत करें, पढ़ाई करें और सफल हो पाएं। और लड़कियों के अंदर तो सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे लगता है पेशेंस, धैर्य, और जो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक क्वालिटी महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी इस क्वालिटी का यूटिलाइजेशन करें, एक सेल्फ सेंटर्ड और एक अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन फॉर्म में अगर पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। आपका मीडियम क्या रहा था, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं मुखर्जी नगर अगर हम जाते हैं तैयारी करने के लिए तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं और सवाल भी रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि मीडियम आप ज़रूर पूछा कीजिए, तो आपका मीडियम क्या था? मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो दोस्तों ये बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मुखर्जी नगर में केवल हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं और छात्राएं, तो ये बिल्कुल कड़वा सच नहीं है, आपके सामने ही है जीता जागता उदाहरण, इंग्लिश मीडियम के भी रहते हैं। आपने एक नाम का जिक्र किया था रोहित सर का, तो ये रोहित सर क्या पढ़ाते थे आपको, क्या कराते थे, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। रोहित सर के अंडर मैंने अपनी प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज ली थी और मेंस एग्जामिनेशन में जितना भी गाइडेंस था वो उन्होंने मुझे कम्प्लीटली प्रोवाइड किया था। अगर किसी भी सोर्स की मुझे लगता था कमी है या फिर मेरे पास इस चीज़ का डेटा नहीं है तो वो सब वो प्रोवाइड करते थे। एंड इन बिटवीन अगर कभी भी मेंस की जर्नी थोड़ी सी 3 महीने बहुत एग्जॉशन वाली जर्नी होती है और बहुत बार ऐसा लगता है कि यार वो शायद नहीं होगा, कम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा ये विश्वास भी जताया था कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा और हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम सर ने बहुत किया और एक अच्छा मटेरियल भी मुझे पूरी तरीके से उन्होंने प्रोवाइड करवाया था। क्या रोहित सर आंसर राइटिंग वगैरह भी कराते हैं यहाँ पे? हाँ, उनका मेजरली आंसर राइटिंग प्रोग्राम काफ़ी मुझे लगता है एफिशिएंट भी है और उनका प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी रहती है। तो मैम बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि आपको आज अभी देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, क्या आपने UPSC का भी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया था? और UPPCS वाले में शायद आपका फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट मेंस और उनके बाद ही सिलेक्शन हो गया, ये बात सत्य है क्या? हाँ जी, मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था और मैंने पहले अभी UPSC का एक भी नहीं मतलब अटेम्प्ट दिया है, ना ही मैंने कभी फॉर्म फिल किया, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि पहले एक अपना स्टेट क्लियर करना है उसके बाद आगे की सोचनी है, तो मैंने अभी पहले स्टेट पर ही फोकस किया था। मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जो रोहित सर के बारे में आप बता रहे हैं और कहीं ना कहीं आज आप उनसे मिलने भी आए थे, हम उन्हीं के कोचिंग में भी दोस्तों बैठे हैं और ये वर्धमान मॉल नेहरू बिहार में है, आज आप सर से मिलने आए हैं, उस दिन भी मिल के गए थे, तो सर ने क्या कहा है, ये कहा है अब कि UPSC की तैयारी करो बेटा, IAS वगैरह बनो? सर ने तो ये UPPCS देने से पहले ही कहा था कि UPSC की प्रिपरेशन करो, थोड़ा मैं ही हमेशा पीछे हटती थी कि नहीं सर UPSC अभी नहीं, पहले PCS हो जाए, तो वो तो अभी भी यही चाहते हैं कि मैं UPSC की प्रिपरेशन करूँ और मतलब ये मेरा प्लान है कि सर की गाइडेंस में UPSC भी आगे अपना प्रिपेयर करूँ। एक और क्वेश्चन है मेरा वो आपसे, ये लास्ट नहीं था, मैंने लास्ट बोला था, अब जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे प्रीलिम्स का, जब एग्जाम सेंटर में हम बैठते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि दूर दूर से जाते हैं, कोई मुखर्जी नगर से, कोई गांव से आ रहा है, तो जाते जाते ही किसी की तबीयत खराब हो जाती है गर्मी का टाइम है, कोई कोई डर जाता है, कोई तनाव में आ जाता है, तो वो तनाव किस तरीके से दूर करें, किस किन किन बातों को वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन का आंसर हमें पता है हम वहाँ पे भी भूल जाते हैं और बाद में जब निकलते हैं तो कहते हैं नहीं यार ये तो मेरा सही था और मैं कर सकता था, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था और किन किन बातों का ध्यान रखना?
ये प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होती है, क्योंकि बहुत बड़ा फोबिया दिमाग में बैठा हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिन का आधा घंटा आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए निकालिए रेगुलरली, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। यूँ नहीं है कि दूसरे इंसान ने अच्छा पढ़ा है तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए। और आंसर कॉपीज फिल करते टाइम, ओएमआर शीट्स फिल करते टाइम आप धैर्य से अपनी ओएमआर शीट भरिए। डरना नहीं है वहाँ बैठ करके, एकदम ऐसे बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोई चॉकलेट खा रहा है बीच बीच में अपना वो कम करने के, तो उन सब चीज़ों को नहीं करना है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अच्छे से पढ़ के आए हो तो अच्छे से एग्ज़ाम भी होगा। क्या आप जब एग्ज़ाम देने जाते थे उससे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है दो तीन दिन तक पढ़ते नहीं है, कहते हैं मैंने पहले जितना भी पढ़ा था सब लिख के आऊँगा। और कुछ को देखता हूँ कि उस दिन भी पढ़ते रहते हैं, बस में बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठे हैं तो भी पढ़ रहे हैं। क्या ऐसा भी आपने भी किया था कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एंट्री होने वाली और पढ़ने में लगे हुए हैं? नहीं, मतलब मैंने बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात तक पढ़ाई की थी, उस दिन नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा था। ओके मैम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनके क्वेश्चन रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो नए हैं उनके भी क्वेश्चन रहते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कितने मिनट तक लगभग चलता है, ड्रेस वगैरह कैसा पहनना चाहिए। इंटरव्यू अराउंड 15-20 मिनट्स का चलता है। और ड्रेस की बात करें तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, सूट या साड़ी, थोड़ा फॉर्मल लुक होना चाहिए, वो चलता है। और इंटरव्यू गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने रोहित सर से गाइडेंस ली थी, उसके अलावा दीपक सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरव्यू से एक दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, तो रात में 10-11 बजे उन्होंने मुझसे बात की, मुझे समझाया और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए कि ये सब चीज़ें कवर करो ताकि अच्छे से इंटरव्यू हो जाए। मैम, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही ज़्यादा कठिन थे या फिर आसान थे, जो आप पढ़ के गए थे उसमें से कुछ मिले? हाँ, टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में सर ने और दीपक सर ने बताया था ना कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सब टॉपिक्स कवर किए थे। उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। मेरी एंट्री पर ही मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और वुमेन आइडल कौन है ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। और दीपक सर ने एक दिन पहले ही मुझे बताया था कि वुमेन आइडल अपना प्रिपेयर करो, उससे पूछा जा सकता है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। IR से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेजरली मेरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में। ओके मैम, थैंक यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे कोचिंग है टेस्ट वर्ल्ड, यहाँ पे आए हुए थे, ये रोहित सर के गाइडेंस में चलता है। मैम भी वहीं पे मिलने आई थी सर से, हमने बात की। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी वीडियो में पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।